अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कोकोस गार्डन। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी केयर के बारे में, इसको लगाना कैसे और कैसे इसको हैंडल करना है और पूरा लाइफ पूरा सीज़न आपने इसको सेव कैसे करना है प्लांट को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको बता दूँ इसका नाम क्या है। जी, इस खूबसूरत प्लांट का नाम है गजानिया और बहुत ही वाइब्रेंट और एक्सीलेंट कलर्स हैं इसके। बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं जो कि आपके गार्डन में 3 से 4 पौधे आप लगा दें तो गार्डन में रौनक बन जाती है। और ये मैं 2 कलर ये हैं और एक पीछे नीचे वो पिंक वाला कलर है। इसमें 10-15 कलर होते हैं, डबल कलर, ट्रिपल कलर, शेडिड में, सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत पैटर्न्स है कलर्स के। आप नर्सरी में जाए अपनी पसंद का कलर लेके आएँ। और ये इतना फ्रेंडली प्लांट है कि आप हर तरह से, अगर आप गार्डनिंग का शौकीन है, फ्लावर्स लगाना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी कम है, इतनी केयर नहीं कर पाते, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये केयर बहुत मांगता है, बहुत कम केयर मांगता है आपसे ये, और बहुत ड्रॉट गर्म सख्त गर्मी को बर्दाश्त करता है। क्योंकि जब इस प्लांट को जब लगाने का बीजों से टाइम है वो अक्टूबर नवंबर में इसके सीड लगाते हैं। अब इसको हम 1 महीने के बाद सीडलिंग को शिफ्ट किया जाता है। सीडलिंग विंटर की कैसे शिफ्ट करनी थी, मैंने अभी इस साल मेरी वीडियो थी और अब टाइम है फ्लावर्स की ब्लूमिंग का। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। तो वन बाय वन मैं अपने इन प्लांट्स के नाम को नाम बता के वन बाय वन वीडियो आपसे शेयर करूँगी कि अगर आपने इनमें से कोई प्लांट अभी तक नहीं लाया तो आप नर्सरी से जाकर रेडी प्लांट्स लेके आएँ और पूरा बहार और अर्ली समर तक जो है अपने गार्डन में इन फ्लावर्स को इंजॉय करें। तो फ्रेंड, गजानिया का भी मैं बता रही थी कि आपने सीड से ग्रो करना है तो अक्टूबर नवंबर में ग्रो करने के बाद लगाते हैं। अगर आप प्रिपेयर प्लांट चाहते हैं तो इस नर्सरी से जाके आपको मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये आप इस प्लांट को, अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप एक पुअर सॉइल में लगा सकते हैं। पुअर सॉइल का मतलब होता है कि आपके उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, आपके पास खाद की कमी है, तो सिंपल सॉइल और सिंपल रेत में आप इसको लगा दीजिए। लेकिन चिकनी मिट्टी में आपने हरगिज़ नहीं लगाना, क्योंकि थोड़ा सा ये रूट सेंसिटिव है, बहुत पानी देंगे, मिट्टी में पानी खड़ा रहेगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। पॉट साइज़ इसका आप क्या लेंगे फ्रेंड? पॉट आप कम से कम 9 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में आप एक पौधा लगाएं। इसका ये है कि आप 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन इस प्लांट का जो प्रोपिगेशन है बड़ी ज़बरदस्त है। कैसा ग्रो करता है, ये साइड के साथ अपने जो ना वो इस तरह के बेबी प्लांट निकालता है जिसको आप टाइमली अलग भी कर सकते हैं और न्यू प्लांट बना सकते हैं। और जितनी आप इसको स्पेस देंगे अराउंड में, उतना ही हैप्पी ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करेगा, फैलता जाएगा और उतने ही ज़्यादा आपके ऊपर फ्लावरिंग आएंगे। एक और मज़े का फैक्ट बताऊँ इस प्लांट के बारे में कि ये इसके जो फ्लावर्स हैं ये जैसे ही सूरज निकलता है तभी ये खिलना शुरू होते हैं। इट मीन्स कि आपने इसको प्लेस कहाँ करना है, इसकी लोकेशन की बात है कि ये फुल डे का प्लांट है। आप इसको कहें कि मैं 3 से 4 घंटे की धूप में रख दूँ फिर छाँव में, देन नो, क्योंकि इसके जैसे ही अगर मौसम क्लाउडी होगा, बादलों वाला मौसम है, या आपने इसको शेडी एरिया में रख दिया है तो इसके फ्लावर्स कभी भी ब्लूम नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही सूरज हटता है तो ये अपने पत्तियों को क्लोज करना शुरू कर देता है और रात के टाइम ये बंद हो जाता है फ्लावर। ये भी एक इसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है। और फिर लोकेशन आपको वाजह हो गई है कि आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। वाटरिंग आपने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी। सुबह मैंने अच्छा पानी दिया है, लेकिन नीचे से मिट्टी जो है ना वो मॉइस्ट है, ठीक है, लेकिन सोगी यानी कि कीचड़ वाली मिट्टी आपने नहीं करना। अब शाम के टाइम इसको मैं पानी दूंगी। अगर आप एक टाइम पानी देना भूल गए हैं 2 टाइम तो ये काफ़ी हद तक जो है ना वो ड्रॉट कंडीशन बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉट पानी भी नहीं देंगे तो इसकी पत्तियाँ सड़क से सूखना शुरू हो जाएंगी। वो तो ऑब्वियसली किसी प्लांट के साथ भी है। और ओवर वाटरिंग से इसको एक मसला है कि इसके बाद आप इस प्लांट को अगर आप ओवर वाटर करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना वो एफिड्स का अटैक होगा, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। क्योंकि बाँस का पौधों में अगर नमी बनी रहती है तो निचली साइड पे फंगस लगने का डर होता है, और पत्तों के ऊपर अगर नमी आप रखते हैं बहुत ज़्यादा शॉवर कर देते हैं पत्तों को और वो सूख नहीं पाते पत्ते, तो उसके ऊपर जो है ना फिर वो एफिड्स और कीड़े अटैक करते हैं और हमारा प्लांट जो है वो फिर वो तबाही की तरफ आ जाता है। मिट्टी कैसी लगानी है बता दिया, लोकेशन कैसी है वो भी मैंने आपको बता दिया। फ्लावर ब्लूम कब होता है? अर्ली समर, मई जून तक इसने ब्लूमिंग करनी है। बाद में आप इसको शेड में रख के सेव कर लीजिए और दोबारा से जो है ना वो आपके विंटर में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और उसके सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और फर्टिलाइज़र बार बार देने की ज़रूरत नहीं, महीने में एक बार आप कोई सभी फर्टिलाइज़र बनाना पील डाल दीजिए कोई भी, अगर ना भी देंगे तब भी आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इतना फ्रेंडली और इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला प्लांट है।
सो आपने जो है ना इस प्लांट को अब लगाना है, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली है, ये अपने आप को हर तरह से तावन करता है, इसको लगाया जाए। तो आप भी नर्सरी में जाए, अपनी पसंद का कलर ला के तो अपने गार्डन में इसको ऐड करें और मुझे बताएं कि आपने कौन सा कलर ऐड किया है। सो ये था ऑल अबाउट गजानिया प्लांट। सो मुझे दें इजाज़त, हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।